औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिर बेटी एंड यू आर वाचिंग शाहिर बेटी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देने जा रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ चल रही है और वो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी का जो स्मार्ट सिलेबस है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने भी इस पोस्ट को देखा है, कई लोगों ने ये पोस्ट मुझे भी सेंड की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी का जो सिलेबस है उसको शॉर्ट कर दिया है, यानी वो भी स्मार्ट सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यहाँ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। कोई स्मार्ट सिलेबस जो है वो बीए बीएससी के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, ना ही पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कोई बात कही गई है, ना ही उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट जो है वो डाली है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। स्मार्ट सिलेबस नहीं है, बीए बीएससी के लिए नहीं है। स्मार्ट सिलेबस जो है वो सिर्फ 9th और 10th और उसके साथ जो इंटर क्लासेस हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उनके लिए हुकूमत पंजाब ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी के स्टूडेंट के लिए जो है वो स्मार्ट सिलेबस जो है वो मुतारफ करवाया है। लिहाजा मेरी तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो फेक न्यूज़ हैं उनके ऊपर बिलीव ना करें और ना ही ऐसी फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर करें, जब तक कि आप उस बात की तस्दीक ना कर लें, क्योंकि इस तरह जो है वो स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन होती है, ये चीज़ें परेशानी का बायस बनती हैं। लिहाजा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आए, आप पहले उसकी अथेंटिकेशन जो है वो चेक कर लिया करें, उसकी वैलिडिटी जो है वो चेक कर लिया करें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बगैर तस्दीक के ऐसी पोस्ट जो होती हैं उनको आगे फॉरवर्ड ना किया करें। इसके साथ ही शाहिर बट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।